दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आले मोहम्मद इकबाल, काउंसलर दिल्ली गेट, इस वक्त मैं पंपिंग स्टेशन पर हूं, दिल्ली गेट पर। आप तमाम लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से दिल्ली की इतिहास में कभी पानी की किल्लत इतनी नहीं हुई जो इस बार हुई है, कि तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं और मुसलसल पानी की किल्लत चल रही है। मैं पिछले एक महीने से कंटिन्यू सड़कों पर हूं अपनी टीम के साथ, दिल्ली जल बोर्ड के तमाम अफसरानों के साथ, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके की गर्मी बढ़ी है उस वजह से यमुना में पानी का स्तर बहुत कम हो चुका है और अभी तक वो पानी जिस लेवल पर दिल्ली को चाहिए उस लेवल पे पानी नहीं हो पा रहा है। और हरियाणा को जो दिल्ली के हिस्से का पानी देता है, क्योंकि दिल्ली का कोई अपना पानी नहीं है, दिल्ली के पास कोई अपना समंदर नहीं है, पानी का कोई ऐसा सोर्स नहीं है, और यही वजह है कि दिल्ली को हमेशा हरियाणा से या यूपी से पानी लेना पड़ता है। और हरियाणा ने दिल्ली के हिस्से का पानी अभी तक नहीं दिया है, क्योंकि हरियाणा को अपनिया भी पानी की कमी लग रही है, इसलिए वो दिल्ली का पानी नहीं दे रहा है। मगर मैं मटिया महल विधानसभा में हल्के में रहने वाले लोगों को एमएलए शुएब इकबाल साहब की जानिब से ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने पिछले 3 महीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 40 से ज्यादा इलाके के अंदर बोरिंगें कराई हैं। शुएब इकबाल साहब की सरपरस्ती में इलाके के बुजुर्गों की, नौजवान साथियों की, लोगों की डिमांड पर। मगर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, क्योंकि अभी जितना सैकड़ों मुझे फोन कर रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, क्योंकि ये किल्लत सिर्फ हमारी पुरानी दिल्ली की ही नहीं, ये बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दिल्ली की 80% दिल्ली के अंदर इस टाइम पानी का सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो मेरी तमाम अहले इलाके से, अपने हल्के के लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप तमाम लोग परेशान ना हों। इंशाल्लाह मैं आप तमाम लोगों की परेशानी हमारी परेशानी है। मैं पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यू सड़कों पे लगा हुआ हूं, हर इलाके हर मोहल्ले में बोरिंग करा रहा हूं और जहां बची है उसको भी मैं करा रहा हूं, इसलिए कि आने वाले मुस्तकबिल में आपको, इस इलाके के अवाम को कोई परेशानी, कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जितना बड़ा ये हादसा हम लोगों के सामने आया है, मैं ये समझता हूं इससे बड़ा हादसा कभी इससे पहले नहीं आया है। और समझदार इंसान, समझदार लीडर वही है जो हादसों से सबक ले। और इसलिए हर मोहल्ले के अंदर हमारी बोरिंगें चल रही हैं, जो पहले पास हुई हैं, जो एसडीएम और डीएम के ऑफिस से पास होते हुए आती हैं और उसके साथ साथ वो बोरिंगें होती हैं। और यही वजह है कि हम आप लोगों के बीच में बोरिंगें करा रहे हैं। बहुत से लोग मुझे सैकड़ों कॉल्स कर रहे हैं कि बोरिंग कराने के लिए, मगर मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप तमाम लोगों के इलाकों के अंदर बोरिंग कराने की जिम्मेदारी मेरी है, शुएब इकबाल साहब की है। आप किसी बात से परेशान ना होने दें। मैं आप तमाम लोगों के बीच में शुएब इकबाल साहब की सरपरस्ती के अंदर हर जगह, हर मोहल्ले में, मटिया महल हल्के के अंदर कोई हिस्सा नहीं छोड़ूंगा, कोई मोहल्ला नहीं छोड़ूंगा जहां पर बोरिंग ना हो। मगर ये वक्त इस टाइम बहुत परेशानी का वक्त है और ये वक्त इस टाइम बहुत परेशानी का वक्त है। इस परेशानी के वक्त में आपको, मुझ, हमारा और जल बोर्ड के तमाम लोग इसमें दिलो जान से लगे हुए हैं। और मैं इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के लिए एक रोड मैप इस तरीके का तैयार कर रहा हूं कि आने वाले मुस्तकबिल के अंदर आप तमाम लोगों को कोई परेशानी, दिक्कत, दुश्वारी ना आए आने वाले मुस्तकबिल में। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला खैर की बरसात करे, जिससे आपको इंशाल्लाह बरसात के साथ साथ हमारा जो पानी है, सरकारी पानी, वो भी नॉर्मल हो जाए और उसके साथ साथ बोरिंग वाला पानी भी, जिसकी हम मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको दुरुस्त मिलेगा आने वाले वक्त के अंदर। और मेरी